दादी सा और फूफा चल रहे हैं ऐसी चाल जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं है। अबीरा और अरमान की होगी शादी, लेकिन एक साल के अंदर ये शादी टूट जाएगी। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आएगा बहुत बड़ा ट्विस्ट। हम आपको बता दें, दादी सा का दो चेहरा आपको नजर आएगा, जहां आप देख रहे हैं कि दादी सा बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं शादी को लेकर, लेकिन दरअसल ये सिर्फ ऊपर से दिखावा है। दादी सा अपनी शातिर चाल से खेलने से बाज नहीं आ रहे हैं और यहाँ उनके इस चालों में साथ दे रहे हैं फूफा सा, और फूफा सा के कान भर रही है रूही। आप देखेंगे फूफा सा दादी सा को कहने आते हैं कि अगर अरमान और अबीरा की शादी के बाद अगर डिवोर्स होता है तो अबीरा आधी प्रॉपर्टी मांग लेगी। ऐसे में वो एक पेपर बनवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पेपर, कि अगर अरमान और अबीरा का डिवोर्स हुआ, कल को दोनों अलग हुए, तो अबीरा किसी तरह से एलिमनी नहीं मांग सकती। एक तो ये पेपर जैसे ही अबीरा के सामने आता है वो भड़क जाती है, क्योंकि इससे पहले भी वो बच्चे और वारिस वाले पेपर को लेकर बहुत परेशान थी। हम आपको बता दें, दरअसल दादी सा फूफा सा के सामने खोलती है राज कि मैंने जान बूझ के वो एक साल के अंदर वारिस मांगा है, क्योंकि मुझे पता है अबीरा जैसी लड़की अपने करियर को लेकर बहुत कॉन्शियस है और अपने करियर को किसी भी दांव पर छोड़ना नहीं चाहती, और जब वो यहाँ घर पर रहेगी बिना काम के, बिना जॉब के, तो वो खुद इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाएगी कि वो इस खुद अपने हाथों से ये रिश्ता तोड़ देगी। दादी सा ये सब कुछ जान बूझ कर रही हैं।